प्रोफेसर निसार अहमद का कर्ल फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 गालिबन 11 के हमने उस तक पढ़े हैं। हमने न्यू केस 11 में हमने 66 लेक्चर नंबर 66 तक डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर है 77 चैप्टर होगा हमारे 11.4। ये मेरे हैं 67 दी रेडियस ऑफ ई सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। लास्ट टाइम हमने ई सर्कल के बारे में डिस्कस किया था जिसका रेडियस बनता है आर वन इज इक्वल टू डेल एस माइनस है, आर टू इज इक्वल टू डेल एस माइनस बी एंड आर थ्री इज इक्वल टू डेल एस माइनस सी। दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ई सर्कल, व्हाट इज ई सर्कल हमने पहले डिस्कस किया था। ई सर्कल हमने पहले डिस्कस किया था। ई सर्कल वो सर्कल था जो क्या करता था, जो एक साइड ऑफ ट्राइंगल के एक्सटर्नल टच कर लें और दो साइड इज इंटरनल टच कर लें, दैट सर्कल इज कॉल्ड ई सर्कल। इन आ सर्कल वो टच वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एक्सटर्नली बाय टू साइड इंटरनली, सच अ सर्कल इज कॉल्ड ई सर्कल। तो ई सर्कल का रेडियस हम इन दो फार्मूलों की मदद से, इन तीन री आर वन आर टू आर थ्री, इनके मदद से हम ही सर्कल का रेडियस फाइंड करते हैं। हम आते एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इस वक्त मैं शुरू करता हूं। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड the radii. Radii means radius ka jama radii, r and small r of the circle and in script circles of a triangle ABC, क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड, रेडियाई फाइंड करना है। रेडियाई मीन्स रेडियस का जमा, कैपिटल R और स्मॉल R फाइंड करना है सरकम सर्कल का और इन स्क्रिप्टेड सर्कल का। पहला पार्ट हमें गिवन है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 10। क्या फाइंड करना है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इट मींस डेल एरिया अननोन। हमें पता है, अभी इसके फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, डेल इज इक्वल टू एस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू लगा देते हैं सबकी जगह पर। सबसे पहले इधर सी बात हम एस पॉइंट कर लेते हैं, टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 2s is equal to a, any 4 plus 8 plus 10, 2s is equal to 12, 22, s is equal to
22/2 आ फार्मूले में वैल्यू लगा दो 11 11 माइनस 1 तो ए 4 आएगा, फिर 11 माइनस 8 और फिर बनेगा 11 माइनस 10। हमने क्या किया, हमने जनरल स्पेस की जगह पर वैल्यूज पुट की और साथ साथ हमने ए बी सी की जगह पर वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल इज इक्वल टू 11 इनको से निकाले दैट इज 7, दैट इज 3, दैट इज 1। सो दिस इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 231 रेडिकल। अगर इसका रेडिकल हम ले लें, ये बनेगा हमारे पास 15.20। सर्कल सर्कमपेरेंस रेडियस आर इज अननोन, वी हैव आर इज इक्वल टू एबीसी डिवाइडेड बाय 4 डेल। ये फॉर्मूला हमने प्रूव किए लेक्चर नंबर 66 में, गालिबन लगा दो वैल्यू आर इज इक्वल टू ए 4 8 10 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 15.2। दिस ये आएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू, निशानी के लिए 4 कैंसिल कर लो, ये आएगा 80 डिवाइडेड बाय 15.20। इनको कैलकुलेटर की मदद से पॉइंट कर लेते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 15.20 विच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 5.26। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। आप क्या करेंगे, फिर रेडियस फाइंड कर लेते हैं ई सर्कल का, जिसको हम ये नहीं बल्कि इन सर्कल जिसको कहा जाता है, यही सवाल की गई इन सर इन रेडियस आर इज अननोन। आर यहां पे हमारे पास अननोन है, हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, वी नो दैट आर इज इक्वल टू एस माइनस एस डिवाइडेड बाय 10, डेल डिवाइडेड बाई एस, डेल की जगह पर वैल्यू 15. दिस डिवाइडेड बाई एस, इसकी वैल्यू 11 कर लो डिवाइड, 15.20 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज आर इज इक्वल 1.38। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर रेडियस, means circumcircle and in circle, circumcircle and in circle। इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट इज 5 b's 12 c's 30। सबसे पहले हम क्या पॉइंट करेंगे, वी नो दैट डेल इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, डेल इज इक्वल टू एस बट एस इज अननोन, तो सबसे पहले एस भी फाइंड कर, टू एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, टू एस इज इक्वल टू ए 5 + 12 + 13 एस इज इक्वल टू, इसको हेड कर लें, ये बनता है गालिबन 17, 30 बन जाता है डिवाइडेड बाय 2, एस इज इक्वल टू 15। फिर डेल में वैल्यू लगा, डेल इज इक्वल टू
एस, इसकी वैल्यू क्या है? 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 15, इनको से निकाले 10, इनको से निकाले 3, इनको निकाले 2, यू बनेगा, ये बनेगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 6, इन 6 जीरो से 0, 6 5 6 30 3 900, 9 कैरेट इक्वल गालिबन बनता है 30. क्या फाइंड करना है? सर्कम रेडियस आर सी, कैपिटल आर सी टी नोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या था? ई बी सी फोर डेल लगा दो वैल्यू, ए की जगह पर 5, बी की जगह पर वैल्यू 12, सी की जगह पर 13, डिवाइडेड बाय 4 into 30. कैंसिल कर ले आसानी के लिए, 4 3 3 10 5 1 5 2 r is equal to 13 over 2, ये गालिबन बनेगा 6.5. क्या बनेगा हमारे पास? 6.5. इसके बाद इन रेडियस, व्हाट इज इन रेडियस? वी नो दैट द सर्कल, द रेडियस ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस, दैट इज आर. वी हैव R is equal to del over S. Got the value? R is equal to 30 over 15. Cancel R is equal to 2. This is the value of in and in circle and circulum, circum radius. 4 for me, A given 18, B 24, C given 30. सबसे पहले हमें पता है डेल फाइंड करना है, एबीसी तो गिवन है, जब डेल फाइंड हुआ तो आर की पिक्चर लार और स्मॉल आर हम दोनों फाइंड कर सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बट 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. God will use two S is equal to A 18 24 30. इसको हेड कर लो, इधर 0 4 12 5 1 4 4 4 6 7, 2 यहां पे आकर के तो डिवाइड हो, 2 1 2 3 6 2 6 12. S की वैल्यू लगा दो, S की वैल्यू, डेल इज इक्वल 36 36 माइनस 18 36 माइनस 24 36 माइनस 30. इनको निकाले 18, इनको निकाले 2 1 12, इनको निकाले 6. इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 36 मल्टीप्लाइड बाय 18 फिर 12 फिर 6. क्या है हमारे पास? 36 18 12 6, ये आएगा 4 6 6 5 6 4 6 6 by 6. इसका रेडिकल ले लो, 4 6, इसका रेडिकल बनेगा 2 1 6.
क्या करेंगे? सबसे पहले हम सरकम रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं अननोन है, वी नो दैट ई वी सी डिवाइडेड बाय 4 डेप लगा दो सबकी जगह पर वैल्यू ये बनी गई यू ए एक जगह पर वैल्यू लगा दो 18 24 30 डिवाइडेड बाय 4 डेल की जगह पर वैल्यू 216 4 1s 4 6 6 1s 6 3s 18 6 3s 18 6 6 36 6 5s 6 6 6 1s 6 3s R is equal to 5 3s 15 This is the value of R Similarly इसके बाद in radius R से represent करते हैं R is equal to del over S del की जगह पर value S की जगह पर value क्या कर रहे हैं S से 36 सबसे पहले 6 भी कैंसिल कर लें फिर 6 भी कैंसिल कर लें तो इनर रेडियस इज इक्वल टू से फिफ्थ फॉर ए गिवन है 13 बी भी 13 है सी है 10 सबसे पहले काम क्या फाइंड करना चाहते हैं हमें पता है पहला काम डेल फाइंड कर लो डेल क्या था S is minus A, S minus B, S minus C. लेकिन S को फाइंड करने के लिए क्या है A plus B plus C. फॉर्मूला है हमारे पास. लगा दो वैल्यूज. S is equal to A, फिर B, फिर 10. ये आएगा मेरे ख्याल में 36. मानते? Divided by 2. कैंसल कर लो S इज इक्वल टू 18 डेल नाउ डेल इज इक्वल टू S 18 माइनस 13 18 माइनस 10 इनको निकाले 5 8 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका एक आसान लॉ और भी है ये 25 आएगा 25 का रेडिकल बनेगा 5 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 144 है 12 12 को इनसे मल्टीप्लाई कर लो डेल की वैल्यू आया 60 अब क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले हम सर्कम रेडियस फाइंड कर लेते हैं हा क्या फॉर्मूला था ई बी सी 4 डेल ई की जगह पर वैल्यू बी की जगह पर वैल्यू सी की जगह पर वैल्यू 4 और 4 के बाद क्या करेंगे डेल डेल है 60 0 0 से कैंसिल होगा ये बनी गई हूं 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 169 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज हा ये मेरे पास हार है डिवाइड कर लो फाइंड आंसर लिख लिख डिवाइडेड बाय 24 आर इज इक्वल टू वो भी आंसर सही है 0.041 फिर क्या फाइंड करना है इन रेडियस हार हार इज इक्वल टू डेल वर एस
डेल की जगह फॉर वैल्यू 16 ओवर 18, 3 पे कैंसिल कर लो, 2 पे कैंसिल कर लो, इसको 3 पॉइंट समथिंग मेरे ख्याल में 3.33 बनता है, क्या बनेगा गालिबान ये R इज इक्वल टू 3.33, दिस इज द वैल्यू ऑफ हार एंड हार। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारे, फाइंड R1 R2 एंड R3 इफ दे मीजे of sides of triangle EBC R। number 1 E given hai thirteen, B given hai 14, C given hai 18। हम पॉइंट R1, R2, R3, लेकिन R1, R2, R3 से पहले सबसे पहले डेल फाइंड कर। डेल क्या है हमारे पास, S माइनस C, लेकिन बट S भी हमारे पास नहीं है, क्या A प्लस B प्लस C है। 2S इज इक्वल टू A, 13 प्लस 14 प्लस 18, अच्छा इसको ऐड कर लो, ये आएगा 5 इन 15 45। S इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कर लें 22.5, लगा दो वैल्यू। डेल इज इक्वल टू S की जगह पर लिख लो 22.5 minus 13, 22.5 minus 14, 22.5 minus 18, कर लो सिंप्लीफाई, ये बनेगा डेल इज इक्वल टू 22.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 minus 13, ये बनेगा हमारे पास 9.5, गालिबान ये बनेगा 8.5, 4.5, सबको मल्टीप्लाई कर ले 4.5, 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 फिर मल्टीप्लाइड बाय 8.5, ये डेल इज इक्वल टू 81.75.9375, इसी का रेडिकल ले लेते हैं 81.75.9375, ये बनेगा डेल इज इक्वल टू 19.42। नाउ R1 इज इक्वल टू डेल S माइनस A, डेल की जगह पर वैल्यू, S की जगह पर वैल्यू, A की जगह पर वैल्यू 13.942, इनको निकाले ये बनेगा 9.57, 9.42 डिवाइडेड बाय 9.57, 0.95, और ये मिस्टेक है, 90 and not 9, ये 90 है, सॉरी फॉर दिस 90.42
डिवाइडेड बाय 9.5 9.57 ये बनेगा हमारे पास 9.45। कर लो एक डिजिट बढ़ा दो, फिर आर टू इज इक्वल टू डेल एस माइनस बी, डेल की जगह फॉर 90/42 डिवाइडेड बाय एस, इसकी वैल्यू 22.5 माइनस 14 ये है 80.2 डिवाइडेड बाय 8.5 ये बनी हमारे पास 10.63। फिर इसके बाद एस थ्री है, एस थ्री का फॉर्मूला है डेल एस माइनस सी 19.4 टू एस 22.5 माइनस 18 19.442 और ये बनता है 4.5। इसको अभी 4.5 डिवाइड कर लो, ये बनेगा आर थ्री इज इक्वल 20.093। दिस इज आर वन आर टू आर थ्री। जाहिर सी बात है हम क्या चाहते हैं, हम वैल्यू निकालना चाहते हैं आर वन आर टू आर थ्री का, लेकिन उसके लिए फार्मूले हमारे पास हमने की पड़े हैं। आर वन इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाई एस माइनस है, आर आर टू इज इक्वल टू डेल एस माइनस बी, आर थ्री इज इक्वल टू डेल एस माइनस थ्री। तमाम की जगह पर सबसे पहले हमने डेल पॉइंट की है, फिर एस पॉइंट की है, इसकी मदद से डेल पॉइंट तमाम की जगह पर मिली, कैलकुलेटर से डिवाइड किया, वी विल बी गेट रिजल्ट ऑफ आर वन आर टू आर थ्री। थैंक यू।